नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दुनिया के किसी भी कोने में मैडम शब्द का जो भी अर्थ लगाया जाता हो, लेकिन पाकिस्तान में यह शब्द सिर्फ मल्लिकाए तरन्नुम नूर जहां के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे मल्लिकाए तरन्नुम मैडम नूर जहां के बारे में। उनके अनसुने किस्सों में हम जानेंगे आखिर कैसे और क्यों नूर जहां को पूरी दुनिया मैडम कहने लगी। नौजवान लड़कों के तरफ उनकी झुकाव, पाकिस्तानी क्रिकेटर नज़र मोहम्मद और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध, भारत छोड़ पाकिस्तान में बसना, मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब और भी बहुत कुछ। उन्होंने शादियां की, तलाक दिए, प्रेम संबंध बनाए, नाम कमाया और अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में बेइंतहा तकलीफ भी झेली। जब नूरजहां को दिल का दौरा पड़ा तो उनके एक मुरीद और नामी पाकिस्तानी पत्रकार खालिद हसन ने लिखा था, दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था, पता नहीं कितने दावेदार थे उसके और पता नहीं कितनी बार वह धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत की थी उन्होंने। 1930 से 1990 तक, यानी कि करीब 70 साल तक अपनी जादुई आवाज़ से लोगों का दिल जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत नूरजहां के किस्सों से, फिर उनके जिंदगी की दास्तां। किस्सा नंबर एक, नूरजहां के बारे में एक कहानी मशहूर है कि 30 के दशक में एक बार लाहौर में एक स्थानीय पीर के भक्तों ने उनके सम्मान में भक्ति संगीत की एक खास शाम का आयोजन किया। एक लड़की ने वहाँ पर कुछ नात सुनाए। पीर ने उस लड़की से कहा, बेटी कुछ पंजाबी में भी हमको सुनाओ। उस लड़की ने तुरंत पंजाबी में तान ली, जिसका आशय कुछ इस तरह था, पांच नदियों की धरती की पतंग आसमां तक छुए। जब वो लड़की ये गीत गा रही थी तो पीर अवचेतन की अवस्था में चले गए। थोड़ी देर बाद वह उठे और लड़की के सिर पर हाथ रखकर कहा, लड़की तेरी पतंग भी एक दिन आसमान को छुएगी और फिर नूरजहां की रवानगी आपको पता ही है। किस्सा नंबर दो, नूरजहां अक्सर अपनी दोस्त फरीदा खालम के साथ अपनी गाड़ी में घूमा करती थी और कोई स्मार्ट सा नौजवान दिख जाता तो उनकी गाड़ी धीमी हो जाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां के लगभग 32 बॉयफ्रेंड थे। हालांकि इस नंबर की पुष्टि कहीं भी नहीं की गई है, लेकिन उन्हें नौजवान लड़के बेहद पसंद थे। एक बार पाकिस्तान के एक नामी शख्सियत राजा तजम्मुल हुसैन ने उनसे हिम्मत कर पूछा कि आपके कितने आशिक रहे हैं अब तक, तो नूरजहां कहती है, सब या आधे सच। तजम्मुल ने जोर दिया, तो आधे सच ही बता दीजिए। नूरजहां कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल मूड में थी, उन्होंने गिनाना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उन्होंने तजम्मुल से पूछा, कितने हुए अब तक? तजम्मुल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अब तक 16। नूरजहां ने पंजाबी में क्लासिक टिप्पणी की, हाय अल्लाह, नाना कर दिया, अभी 16 हो गए ने। वो जो ब्लाउज पहनती थी उसका नेक बहुत ही डीप होता था, इसके साथ ही कमर के पीछे का हिस्सा भी बैठे शख्स को काफ़ी दिखता था। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना ये मुकाम प्राप्त किया था। किस्सा नंबर तीन, नूरजहां को दावतों के बाद लोगों की फरमाइश पर गाना सख्त नापसंद था। एक बार दिल्ली के विकास पब्लिशिंग हाउस के प्रमुख नरेंद्र कुमार उनसे मिलने लाहौर गए। उनके साथ उनका बेटा किशोर भी था। एकाएक नरेंद्र ने मैडम से कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह इस क्षण को ताज़िंदगी याद रखे। सालों बाद वह लोगों से कह सके कि एक सुबह वह एक कमरे में नूरजहां के साथ बैठा था और नूरजहां ने उसके लिए एक गाना गाया था। वहाँ उपस्थित लोगों की सांसें रुक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि नूरजहां ऐसा कभी कभार ही करती है। नूरजहां ने पहले नरेंद्र को देखा, फिर उनके बेटे को और फिर अपने उस्ताद गुलाम मोहम्मद उर्फ गम्मे खां को कहा, जरा बाजा तो मंगवाना। एक लड़का बगल के कमरे से हारमोनियम उठा लाया। उस्ताद गम्मे खां ने तान ली, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार तान ली और फिर उनकी तरफ देखा, यानी नूरजहां के तरफ देखा। मैडम ने कहा, अपर वाला सा लाओ, मतलब ऊपर वाला सा। वह चाहती थी कि वह एक सप्तक और ऊंचा लगाए। उन्होंने नरेंद्र से पूछा,
क्या गाँव? नरेंद्र को कुछ नहीं सूझा, तब किसी ने कहा, बदनाम मोहब्बत कौन करे, गाइए। नूरजहां के चेहरे पर जैसे नूर आ गया, उन्होंने मुखड़ा गाया और फिर बीच में रुककर नरेंद्र से कहा, नरेंद्र साहब, आपको पता है इस देश में ढंग का हारमोनियम नहीं मिलता, सिर्फ कलकत्ता में अच्छा हारमोनियम मिलता है। यह सभी लोग भारत जाते हैं, बाजे लाते हैं और मुझे उनके बारे में बताते हैं, लेकिन टुटपैने मेरे लिए कोई हारमोनियम नहीं लाता। नरेंद्र ने कहा, मैं भेजूंगा आपके लिए। नरेंद्र यह वादा शायद कभी पूरा नहीं कर पाए। किस्सा नंबर 4। कहते हैं कि गाना गाते समय नूरजहां अपना दिल, आत्मा और दिमाग सब कुछ झोंक देती थी। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी गायकी की मुरीद थी। वो जब रिकॉर्डिंग शुरू करती तो कुछ ही घंटों में उनके कमर पर पसीने की बूंदे दिखनी शुरू हो जाती थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते तो वो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हो जाती थी। किस्सा नंबर 5। बताया जाता है कि नूरजहां के कारण पाकिस्तान के क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का टेस्ट करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया था। एक बार उन्हें और नज़र मोहम्मद को उनके पति रिजवी ने एक कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस वजह से नज़र ने पहली मंजिल से खिड़की से कूदकर नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया था, जिसके बाद उन्होंने एक पहलवान से अपना हाथ बैठवाया, लेकिन वो गलत जुड़ गया और उनको टाइम से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना पड़ा। किस्सा नंबर 6। पाकिस्तानी जनरल याहया खान को लेडीज मैन भी कहा जाता था। उनकी कई महिलाओं से दोस्ती थी। इनके सबसे नज़दीकी महिला थी अकलीन अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। एक समय नूरजहां को इनकम टैक्स वाले परेशान किए हुए थे, तो उन्होंने अकलीन को कहा कि जनरल से कहे कि इनकम टैक्स वाले उन्हें परेशान ना करें। फिर ऐसा ही हुआ और अब नूरजहां और जनरल की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। याहया नूरजहां को नूरी भी कहकर पुकारा करते थे और नूरजहां उन्हें सरकार कहा करती थी। महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर एक बार बहुत बड़ी प्रोटोकॉल समस्या उठ खड़ी हुई थी। उस दौर में पाकिस्तान में पत्रकार रहे ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं कि एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी, क्योंकि याहया अपने शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अंततः उनकी नज़दीकी दोस्त जनरल रानी को मनाया गया कि वो उनके बेडरूम में जाकर उन्हें बाहर लाए। जब वो अंदर घुसी तो उन्होंने उन्हें अपने बिस्तर पर पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ पाया। किस्सा नंबर 7। एक पुराने किस्से के मुताबिक मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां लंदन से लाहौर जाते हुए कराची में रुकी थी। एक रेडियो स्टेशन को जैसे इस बात की खबर हुई, उन्होंने नूर से गाना रिकॉर्ड करवाने की तरकीब लगाई। इसके लिए झट से गाड़ी भेजकर उन्हें स्टूडियो बुलवाया गया और फटाफट 3 गाने रिकॉर्ड करवा लिए। इसके बाद मैडम ने जो कहा वो सुनकर सभी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जरा याहया खान से तो मेरी बात करवाओ। स्टेशन निर्देशक घबरा गए, क्योंकि मैडम से याहया खान की जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, मगर थे तो वो देश के राष्ट्रपति, उनके आगे रेडियो पाकिस्तान के एक मामूली अफसर की क्या बिसात। इसके बाद सभी सोच में पड़ गए। ये देख नूरजहां से सब्र न हुआ और उन्होंने खुद फ़ोन खींचकर नंबर घुमा दिया। नूरजहां ने फ़ोन पर कहा कि मैंने रेडियो पर 3 गाने रिकॉर्ड किए हैं, आज रात 8 बजे सुन लेना। इतना कहने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। इधर स्टेशन निर्देशक के होश उड़ गए, क्योंकि वो समय समाचार का हुआ करता था। उन्होंने तुरंत ही डायरेक्टर जनरल को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया कि खुद नूरजहां ने राष्ट्रपति को 8 बजे का टाइम दे दिया कि ये गीत सुन ले, अब मैं क्या करूं? इसका हल उनके पास भी न था। डायरेक्टर जनरल ने फौरन सेना मुख्यालय फ़ोन करके सैन्य सचिव से मामला सुलटाया। फिर उनके गीत 8 बजे के न्यूज़ बुलेटिन के तुरंत बाद सुनाए गए। इसी दौरान याहया खान के कहने पर नूरजहां को पाकिस्तान में मैडम कहने का रिवाज शुरू हुआ, जो ताउम्र जारी रहा। किस्सा नंबर 8। फिल्म कैदी में नूरजहां ने फैज की नज्म मुझसे पहले से मोहब्बत गाया था, जिसके बाद अगर फैज साहब को यह नज्म पढ़ने के लिए कहा जाता तो वो कहते, अब यह नज्म नूरजहां की है, वही सुनाएगी। एक बार किसी ने उनसे पूछने की जरूरत की कि आप कब से गा रही हैं। नूरजहां का जवाब था, मैं शायद पैदा होते समय भी
गा ही रही थी। सन 2000 में जब उनकी मौत हुई तो उनकी एक बुजुर्ग चाची ने कहा था, जब नूर पैदा हुई थी तो उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनकी बुआ ने उनके पिता से कहा था, यह लड़की तो रोती भी सुर में है। 21 सितंबर 1926 को लाहौर से 45 किलोमीटर दूर कसूर में जन्मी नूरजहां मदद अली और फतेह के 11 संतानों में से एक थी। उस वक्त उनका नाम अल्लाह रखी वसई था। उनका परिवार संगीत से ही भरण पोषण करता था। बचपन में ही उनकी प्रतिभा को देख उनके माता पिता ने उन्हें संगीत की तालीम दिलाने शुरू कर दी। गायकी में उन्होंने मुख्तार बाई, अख्तरी बेगम और कजन बाई को अपना आदर्श माना था। बेगम अख्तर के कहने पर ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था और गुलाम मोहम्मद खान उनके पहले गुरु हुए थे। वसाई ने बड़े गुलाम अली खान साहब से भी तालीम हासिल की। वो किसी भी गाने की लय को बड़ी आसानी से पकड़ लेती। 5-6 सालों की उम्र में ही उन्होंने लोक संगीत गाना शुरू कर दिया और थिएटर से भी जुड़ गए। नूरजहां मात्र 9 साल की थी जब प्रसिद्ध पंजाबी संगीतकार जीए चिश्ती ने उन्हें लाहौर के मंच पर प्रस्तुत किया। उसके बाद कलकत्ता के कारनानी थिएटर ने इनकी कला पहचानी और इस तरह अल्लाह वसई कलकत्ता आ गई, जहां पर उन दिनों की सुप्रसिद्ध गायिका मुख्तार बेगम से मिलने का मौका मिला। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में नूरजहां के गायन पर मुख्तार बेगम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इन्हीं मुख्तार बेगम के शौहर आगा हश्र कश्मीरी, जो कि प्रसिद्ध उर्दू नाटककार थे, अपने मैदान थिएटर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने थिएटर के मंच पर अल्लाह वसई को प्रस्तुत किया और यहीं उन्हें बेबी नूरजहां का नाम हासिल हुआ। फिर सन 1930 में पूरे परिवार ने फिल्मों के सबसे बड़े केंद्र बम्बई का रुख किया। उस वक्त मुंबई नहीं बम्बई हुआ करता था। बम्बई में एक बाल कलाकार के रूप में बेबी नूरजहां ने 11 मुख्य फिल्मों में अभिनय किया और उस दौर की सबसे प्रसिद्ध बाल कलाकार के रूप में चर्चित हुई। नूरजहां की पहली बोलती फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया था वह 1932 में आई फिल्म ससी पुन्नू थी। उन्होंने अपना सबसे पहला फिल्मी गीत सन 1935 में केडी मेहरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी में गाया था। 1941 आते आते बेबी नूरजहां के नाम से बेबी हट गया और अभिनेत्री नूरजहां के रूप में स्थापित हो गई। नूरजहां की बतौर मुख्य अभिनेत्री पहली फिल्म खानदान थी, जो उर्दू में बनी थी। खानदान का गीत तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा उनकी प्रसिद्धि का पहला मोड़ था। इसके बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्में आईं जिनमें उन्होंने बतौर अभिनेत्री और गायिका के रूप में काम किया। यहीं से फिल्म के निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी और उनके बीच नज़दीकियां आ गई और फिल्म नौकर रिलीज होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। सन 1945 में नूरजहां ने मास्टर विनायक की फिल्म बड़ी माँ में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया, जिसमें लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने बहनों का किरदार निभाया था। उस वक्त दोनों बहुत छोटी थीं। नूरजहां की पहली सुपरहिट फिल्म सन 1945 में आई जीनत थी, जिसमें उनकी गायकी का एक नया रंग देखने को मिला। इसके बाद से ही उन्हें मल्लिकाए तरन्नुम के नाम से जाना गया। नूरजहां को ही सबसे पहले पहल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कव्वाली गाने का भी श्रेय प्राप्त था। 1947 में बनी फिल्म मिर्जा साहिबा नूरजहां की भारत में आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के भाई त्रिलोक कपूर के साथ अभिनय किया था। 1947 के बंटवारे के बाद नूरजहां ने पाकिस्तान में जाकर बसने का फैसला लिया। ये वो दौर था जब उन्हें उनके काम की मुँह मांगी कीमत मिला करती थी। जब दिलीप कुमार उन्हें यहीं रहने का आग्रह किए तो नूरजहां ने कहा, जहां पैदा हुई थी वहां ही जाऊंगी। नूरजहां अपने पति रिजवी, जो मूल रूप से आजमगढ़ के थे, उनके साथ विभाजन के बाद बम्बई छोड़कर कराची आ गई और फिर लाहौर आकर फिल्म निर्माण शुरू किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म सेक्टर अभी उठ ही रहा था, जिस कारण इन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पाकिस्तान में नूरजहां की पहली फिल्म आते आते 3 साल लग गई, जिसे नूरजहां ने ही प्रोड्यूस किया। इस तरह वह पहली महिला प्रोड्यूसर भी बनी। 1951 में उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म चन वे संतोष कुमार के साथ आई। फिल्म पंजाबी में थी।
पाकिस्तान आने के 6 साल बाद ही उन्होंने अपने पति रिजवी को तलाक दे दी। फिर 1959 में इनका निकाह एजाज दुर्रानी से हुआ, लेकिन यह रिश्ता भी 1970 आते आते टूट गया। 1963 में आई फिल्म बाजी नूरजहां की बतौर अभिनेत्री अंतिम फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सिर्फ गायकी पर ही ध्यान दिया। अपने 33 साल के लंबे अभिनय करियर को 1963 में उन्होंने अलविदा कह दिया। पाकिस्तानी फिल्मों में नूरजहां के योगदान को देखते हुए न केवल उन्हें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया, बल्कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दिनों में नूरजहां ने पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी देशभक्ति के गीत गाए थे और इसी के लिए उन्हें तमगा ए इम्तियाज दिया गया। 1990 के दशक तक उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। 1996 में नूरजहां ने अपना अंतिम गीत दमदा की भरोसा दम आवे ना आवे फिल्म सखी बादशाह के लिए गाया। लगातार गिरती सेहत के कारण 90 के अंतिम वर्षों में उन्होंने गायन एकदम बंद कर दिया और महज 4 साल के अंदर ही 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और फिल्म गायकी के एक युग की भी समाप्ति हो गई। नूरजहां के जीवन की कहानी अभी और भी लंबी है। अगर आपका कमेंट आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक और एपिसोड बनाऊं, तो बेशक इनके ऊपर एक एपिसोड और लेकर आऊंगा। और 2 या 3 शादियों वाला कन्फ्यूज़न, उनका परिवार, फिल्मी सफ़र, इन सभी को और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।